जबलपुर में भाजपा पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल के नेतृत्व में नगर निगम में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर भाजपा पार्षद दल ने हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए नगर निगम का घेराव किया। इस दौरान भाजपा पार्षद दल के द्वारा महापौर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए नगर निगम के गेट के सामने मटके फोड़े। भाजपा पार्षद दल के प्रदर्शन में कैंट विधायक अशोक ईश्वरदास रोहाणी, नगर अध्यक्ष प्रभात साहू व तमाम भाजपा नेता कार्यकर्ता घेराव में शामिल हुए और महापौर के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान निगम नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने कहा, जिस प्रकार से एक साल पहले महापौर जगत बहादुर अन्नू को जनता ने कुर्सी पर बैठाया था कि महापौर शहर का विकास करेंगे, लेकिन उसके विपरीत महापौर जगत बहादुर से अन्नू के द्वारा शहर के विकास के कार्यों का बंटाधार कर दिया गया। उन्होंने कहा, अगर नगर निगम में व्याप्त अव्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त नहीं किया जाता है तो भाजपा अनिश्चितकालीन धरना करेगी। जिस उम्मीद और आशा के साथ महापौर को जबलपुर की जनता ने चुना था तो उसमें खड़ा उतरना तो छोड़िए, बल्कि जबलपुर की जनता के साथ छलावा हो गया, धोखा हो गया। और छलावे धोखे का परिणाम यह है कि पूरा गर्मी पानी के लिए जनता तरसती रही, जबलपुर की जनता। जल प्लावन की स्थिति यह रही कि पूरे जबलपुर को उन्हें जलमग्न कर दिया इनकी अव्यवस्थाओं के कारण, स्वच्छता के नाम पर रैंकिंग को और घटा दिया। ये सब कारण है घर के अंदर चल रही सफाई ठेकों से लेकर तमाम बड़े कामों में सीधा हाथों से महापौर को उड़ा। हम लोगों ने भी 5 साल इस शहर नगर निगम में महापौरी की है, लेकिन कभी सीधा हस्तक्षेप और ना ही बड़े कामों में कोई हस्तक्षेप किया। जो टेंडर होते थे उस पर विधि अनुसार काम होते थे। आज नगर निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, महापौर जी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन जबलपुर नगर निगम के अंदर जब से कांग्रेस के महापौर बैठे हैं तब से कोई भी ऐसे कार्य नहीं हुए। जितनी बातें उन्होंने कही एक भी काम नहीं हुए, चाहे माँ नर्मदा का स्वच्छता अभियान का काम हो, चाहे नगर निगम में कोई भी विकास के कार्य हो, जितने भी विकास के कार्य चल रहे हैं वो तो नगर निगम में मुख्यमंत्री अधोसंरचना और मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना के अंतर्गत जो भी काम चल रहे हैं वो चल रहे हैं। 16 तारीख का वो काला दिन पूरे जबलपुर की जनता याद रखेगी, क्योंकि जिस दिन महापौर ने शपथ लिए थे उस दिन उन्होंने कहा था कि मैं नर्मदा जी को लेकर, जल प्लावन को लेकर, जल संकट को लेकर पूरे शहर में अच्छा काम करूंगा, मगर आज आप देख रहे हो कि पूरा जनता परेशान है।